Hi Leena, hi Priyal, welcome to TeliChakka.com. Thank you. Hi, I feel like you're my home. Thank you so much. So, since Maya 2 is getting launched tomorrow, but every time the trail has been launched, your pairing has become one hit. जैसे बॉलीवुड की कोई जोड़ी हिट होती है वैसे आप दोनों की. सो टू बिगिन विद मुझे ये बताइए, हाउ वाज योर व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू बोथ वर अप्रोच फॉर द सीरीज. वी वर एक्साइटेड. मैं तो बहुत एक्साइटेड थी. मैंने कृष्णा ने हमें स्टोरी सुनाई आई थिंक 20 मिनट्स एंड 21st मिनट में मैंने बोला यस आई एम डूइंग Okay. And my first question was, who's the girl, you know, opposite me? And they said, you know, Leena Jhumani. Maine kaha, of course I know her. We work together. So the best part about all this is ki humne pehle kaam kiya hua tha. So we were quite comfortable with each other. Varna, you know, always do ladkiyon mein wo ladai, cat fight, sab hoti hai. But humare beech kuch kabhi touch wood nahi hua. What about you? But I'm sure you guys, you both had to call your parents and take any kind of permission or something, or they're fine. So what's their reaction when they saw the trailer? My dad's reaction. Actually, Moona ne kuch bola nahi, but haan unhone question kiya ki ye kis par hai. Like he is not so expressive ki wo in cheezon par hamare saath discuss kare. तो उन्होंने ये सिर्फ मम्मा के साथ डिस्कस किया है और मैं आई थिंक मम्मा तक ही रहना रहे तो बेटर है. बट उन्होंने मुझे आके ऐसे कभी फील नहीं कराया कि व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ. सो आई थिंक ओके. एनीथिंग यू वांट टू ऐड हियर. हाँ, मैंने अपनी फैमिली के साथ में बैठ के ये ट्रेलर दिखाया था. उस वक्त आई थिंक प्रियल भी थी. हम साथ में बैठे थे. दे वर लाइक कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है. काफी खुश. बट इट्स जेन्युइनली वेरी नाइस. You both compliment each other very well. Thank you. How was on your first day of shoot? Obviously, shooting such bold scenes is not easy, and that too being girls. So, dimag mein kya tha, and making sure that it doesn't look vulgar at the same time. Well, I think हमसे ज़्यादा दिमाग में कृष्णा के था कि कैसे दिखाना है. Absolutely. हमें सिर्फ करना था. हमें बताया कि ये करना है. हमने वो किया. पर वो स्क्रीन पे कैसे लग रहा है, वल्गर लग रहा है, कितना डिसेंट लग रहा है, उससे क्या स्टोरी बाहर आ रही है, वो आई थिंक वो सब कृष्णा. और जितनी स्टोरी इम्पोर्टेंट थी उतने डायरेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये डायरेक्टर का विजन होता है कि वो किस तरह से हम दोनों को दिखाना चाहते हैं. तो वी रियली रिस्पेक्ट कृष्णा कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आया जहाँ हमें लगे कि यू नो वी आर नॉट कम्फर्टेबल, लीना ये वल्गर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं. आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है आपके. हमने स्विमिंग पूल का एक सीन किया था, आई थिंक प्रोमो में छोटे से शॉर्ट देखा था. सो आई वुड से उसमें भी हमें काफ़ी कम्फर्टेबल रखा गया था कि हमें बुरा ना लगे या कहाँ से क्या बाकी पूरे यूनिट के सामने शूट कर रहे हो बिकिनी पहन के नॉल. सो उसमें भी हमारा काफ़ी ध्यान रखा गया था. सो ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया. ऑब्वियसली मिक्स्ड रिएक्शंस आप लोग को आए होंगे. आई एम श्योर पीपल सम मस्ट हैव लाइक्ड इट, सम मस्ट यू नो देयर आर ऑलवेज मिक्स्ड रिएक्शन. सो हाउ आर यू कोपिंग अप विद दैट बैड कमेंट्स. मैं सिर्फ अच्छा देख रही हूँ, क्योंकि बुरा देख के अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना. जिन्होंने बोलना वो तो बोलेंगे, पर एट द सेम टाइम मैं पॉजिटिव चीज़ ये देख रही हूँ कि जो बेचारे मेरे बच्चे फैंस थे इच्छा पैरी से जो बने थे, यू नो बिकॉज इच्छा पैरी बच्चों का शो था तो हमेशा वो किड्स फैन फॉलोइंग रही है, वो अप्रिशिएट कर ले, मेरे लिए वो मैटर करता है. जिन्होंने मुझे पहले प्यार किया और आज ये ट्रेलर देखने के बाद भी प्यार कर रहे हैं, मेरे लिए वो मैटर करता है. ना कि नए लोग आते हैं जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, बट जो फैंस पहले थे वो आज भी बरकरार हैं. सो आई एम थैंकफुल टू गॉड. सो आप लोग अपना पूरा इमेज चेंज कर रहे हो बिकॉज दैट इज टीवी एंड योर वेब सीरीज इज क्वाइट डिफरेंट. सो आप यू वांट टू काइंड ऑफ वेल यू नो एक्टर होते ही लाइक एक्टिंग कर रहे हैं. सो इट्स गुड जब आप डिफरेंट डिफरेंट रोल लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हो, आपकी एक्टिंग के लिए भी अच्छा है. प्लस वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है. सो अगर आपको मिल रही है वो सिर्फ अपनी दुनिया में बसा हुआ है, बसी हुई है. बट हम 100 कैरेक्टर्स, हजारों कैरेक्टर्स में बसे हुए हैं. हम हर महीने हर साल अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, हम उसमें बसते हैं, हम उन्हें फील करते हैं. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एन एक्टर की हम कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना कुछ फील कर सकते हैं. प्रियल, दिस इज योर सेकंड वेब सीरीज एंड आई थिंक यू आर मेकिंग योर डेब्यू. सो इन फ्यूचर यू वांट टू डू मोर वेब सीरीज. अभी क्या है, बिकॉज यू आर आल्सो ऑक्यूपाइड विद कुमकुम भाग्य. बट आई थिंक मैं और करना चाहती हूँ. मैं डिफरेंट डिफरेंट काम करना चाहती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट रोल करना चाहती हूँ.
यस ऑफ कोर्स एंड कुमकुम भाग्य कर रहे हैं वो मेरी लाइफ का पार्ट है, तीन साल से कर रहे हैं वो भी चले और 10 साल से आई डोंट माइंड बट साथ साथ में मैं और भी काम कर रही हूं. ओके एंड व्हाट अबाउट यू प्रिंस? सेम यार ऑब्वियसली मैं दूसरे वेब सीरीज करने का रीजन ही रहा, दिस इज माय सेकंड वेब सीरीज विद देम. ग्रेट टीम, जब अच्छे लोग आपके आसपास होते हैं, अच्छी स्टोरी होती है, गुड एक्टर्स टू वर्क विद, तो काम आपका काम नहीं रहता, इट बिकम्स फन. सो आई थिंक आई विल ऑलवेज डू वेब सीरीज बिकॉज वेब सीरीज ये है कि इट्स लाइक शूटिंग फॉर अ फिल्म, यू शूट फॉर लाइक 40 days, यू मूव ऑन, और इट्स वर्थ द वेट जब वो रिलीज होके बाहर आता है. तो Since you both have kissed her on screen, any tips that you would like to share for people, anyone who wants to kind of, you know, get pro in it? Lipstick bina ke. Yeah, extreme man. Jo nikle na. Uske alawa just feel it. Okay. So kissing a boy or kissing a girl, what is... No, I'm just... Okay. In a way, you both are sending across a strong message, you know, that obviously gender doesn't matter. I mean, this is everything very God gifted. So what do you have to say, you know, people who still take it, you know, they don't agree with such kind of concepts? If you feel for someone, just go for it. यहाँ पे वो ज़माना गया जहाँ पे आपके फैमिली बोलते हैं कि आपको शादी करनी है, आपको बच्चे करने, एग्जैक्टली जो इन्होंने भी बोला, आपको घर बसाना है. ऐसा कुछ नहीं है. आज के टाइम पे अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो. और आज लोग, हम लड़कियाँ बस इसलिए बनी है ताकि हम शादी कर लें. आज नॉट एट ऑल. आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सेटल होना यही लगता है, शादी कर लो सेटल हो जाओ. अरे जो काम कर रहे हैं, सेटल होने का मतलब यही थोड़ी है कि शादी ही कर लो. शादी के अलावा भी और सेटलमेंट होते हैं, वो भी जियो, वो भी देखो. सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस के हिसाब से लोगों को जीने दो, वो फ्रीडम दो कि वो अपनी चॉइस बना सके हमें ये करना है लाइफ में. उससे उस बात पे जजमेंटल होना, आई डोंट थिंक इट्स बेस्ट राइट. और ये फ्रीडम और इंडिपेंडेंस सब मिलती है जब लड़की अपने बलबूते पे काम करती है. कुछ लड़की है, लड़का फिर भी लड़कों को मिल जाता है यार, लड़कियों को नहीं मिलता. और तो लड़कियां जब खुद से काम कर लेती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो वो अपने डिसीजंस ले सकती है. और वो डिसीजन सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपके घर वालों को आपको बताना है, फिर दुनिया आती है. तो आप घर वालों को भी बस तभी बता पाते हो जब आप खुद कुछ होते हो. दैट्स व्हाट आई फील. तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ गर्ल टू वर्क, टू बी इंडिपेंडेंट, एंड इफ यू लव समवन जस्ट गो फॉर इट. On a lighter note, I want to know that after the trailers and I've got launched, आपको कोई फैंस ने या किसी कोई फीमेल फैन या किसी ने आपको अप्रोच किया है that I really like you or any sort of that? They just any kind of we want to kiss you. ये क्या messages है? We want to kiss you. आपको कुछ ऐसा है अश्ली? मुझे तो सबको kiss ही करना है. अश्लील मैसेजेस तो आते बहुत आते हैं, बट कई बार ना उन मैसेजेस पे आप पहुंच नहीं पाते बिकॉज इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि आप जब तक पहुंचे हो तब तक पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे. बट आई लव यू, आई लाइक यू, ये तो आता है. सो आई अप्रिशिएट टेलीचक्कर पे इंटरव्यू देना हमेशा ऐसा ही लगता है. मैं अपने लोगों के लिए दे रही हूँ, तो टेलीचक्कर के सारे व्यूअर्स को मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आपने मुझे हर किरदार में प्यार किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये माया 2 देखें, सारे एपिसोड्स देखें, उसके बाद और भी प्यार करें. हमेशा ऐसे कॉन्स्टेंट लव और सपोर्ट दें ताकि मैं लाइफ में और बेटर करती रहूँ. और थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए. थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस. माया 2 वेब सीरीज देखो, हमें बताओ आपको कैसा लगा ताकि हमें भी पता चले हम कैसा काम करें. एंड या थैंक यू सो मच. Thank you, Leena and Priya, for your kind words, and hope Maya 2 becomes a big success. Thank you. Thank you, Delhi Chakka.